आदि पुरुष पर भड़के मुकेश खन्ना बोले रामायण के साथ ये भयानक मजाक था। जब से आदि पुरुष बड़े पर्दे पर रिलीज हुई तभी से इसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस फिल्म के डायलॉग ग्राफिक्स और कैरेक्टर्स को लेकर निर्माता निर्देशक और लेखक निशाने पर है। अब इस फिल्म पर एक्टर मुकेश खन्ना का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया है कि निर्माताओं ने रामायण का अपमान किया है। मुकेश खन्ना महाभारत और शक्तिमान जैसे टीवी सीरियल्स में पॉपुलैरिटी बटोर चुके हैं। वो हर विषय पर अपनी राय रखते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल भीष्म इंटरनेशनल पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा आदि पुरुष से बड़ा रामायण का अपमान नहीं हो सकता। ओम राउत को रामायण का कोई ज्ञान नहीं था। इसके अलावा हमारे पास बुद्धिजीवी राइटर मनोज मुंतीश्वर शुक्ला है जिन्होंने हमारी रामायण को कलयुग में बदल दिया है। उनके बकवास डायलॉग और नींद लाने वाले स्क्रीन प्ले ने ऐसी फिल्म बना दी कि नींद की गोलियां भी शर्मा जाए। इस फिल्म का किसी भी रामायण या किसी भी करेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। मुकेश खन्ना ने ऐसे ही खराब डायलॉग लिखने के लिए साफ साफ मना कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि ओम राउत हॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं से प्रभावित थे। उन्होंने रामायण में इसे लाने का प्रयास किया है। अगर उन्हें सिनेमैटिक लिबर्टी लेनी है तो वो एक फिक्शनल फिल्म बना दे, लेकिन आपने भगवान की छवि को के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए आदि पुरुष रामायण के साथ किया हुआ ये भयानक मजाक है। मुकेश खन्ना ने फिल्म में मेघनाथ और हनुमान के लुक पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर हनुमान जी अपना गेटअप इस फिल्म में देखें तो वो एक पहाड़ उठाकर निर्माताओं पर ही फेंक दें। तो ये है पूरी खबर आदि पुरुष फिल्म के सामने आते ही मुकेश खन्ना के रिएक्शन पर। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।